बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज सलीम मुराद, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज का हमारा लेक्चर ये है, लेक्चर नंबर 13, मिसलिनियस एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट, स्टेट थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, देन फिर आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी रेशो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशो सी माइनस बी, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए माइनस बी रेशो ए प्लस बी इक्वल टू सी माइनस डी रेशो सी प्लस डी। तो ये आपके क्या बनता है, स्टेट थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 का एट पार्ट, इफ यू एंड बी आर इफ यू एंड बी वेरीज इनवर्सली एंड यू इज इक्वल टू 8 व्हेन बी इज इक्वल टू 3 फाइंड वी व्हेन यू इज इक्वल टू 12। तो इसमें आपके पास गिवन क्या है, यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, यू इज इक्वल टू के 1/b। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो उसकी जगह आप लोग कॉन्स्टेंट के लिखेंगे। फिर इसमें आपके पास जो वैल्यूज गिवन है वो पुट करेंगे, यू इज इक्वल टू 8 एंड बी इज इक्वल टू 3। यू की जगह आपने पुट किया 8, के एज इट इज 1/b, बी आपके पास क्या है 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8 मल्टीप्लाई विथ 3 के इज इक्वल टू 24, के इज इक्वल टू 24, यू इज इक्वल टू 24 1/b। ये इक्वेशन में आप के की वैल्यू पुट करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगी, यू इज इक्वल टू 24 1/b। अब इसके बाद बी इज इक्वल टू बी आपने फाइंड करना है, यू की वैल्यू आपके पास क्या है 12, तो यू की वैल्यू आप पुट करेंगे 12 24 1/b, 24 को इसके 12 को डिवाइड करेंगे, वी को इस साइड पर लेकर आएंगे, 24 डिवाइडेड बाय 12, 12 टूस आर 24, तो इसका बी का आंसर क्या होगा 2। इसी तरह इसके 9 पार्ट में फाइंड ए, फाइंड आर थर्ड प्रोपोर्शनल 2, 28 एंड 4। 28 और 4 के दरमियान आपने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। थर्ड प्रोपोर्शनल आपके पास नहीं है, आप उसको लेट करेंगे, लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 28 एंड 4। एक्स 28 और 4 के दरमियान थर्ड प्रोपोर्शनल है तो उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे 28 रेशो 4 प्रोपोर्शन 4 रेशो एक्स। तो ये आपके पास प्रोपोजिशन की फॉर्म में आ गया, तो इसको आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये आपके पास क्या है एक्सट्रीम्स और ये क्या है आपके पास मीन्स। 28 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 28x इक्वल टू 16। तो आप 28 को इस साइड पर लेकर जाएंगे, 16 डिवाइडेड बाय 28, कटिंग करेंगे 4 4 16, 4 7 28। तो x की जो वैल्यू है आपके पास क्या होगी 4/7। x आपके पास क्या है थर्ड प्रोपोर्शन, एक्स क्या है आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन। इसी तरह 14 पार्ट में आपके पास जो गिवन है वो ये है, इफ w इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b स्क्वायर एंड w इज इक्वल टू 2 व्हेन b इज इक्वल टू 3 देन फाइंड w। तो इसमें आपके पास जो गिवन है रिलेशन वो ये है, w इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b स्क्वायर, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करेंगे उसकी जगह आप लोग k लिखेंगे कांस्टेंट, w इज इक्वल टू k 1/b स्क्वायर बराबर बी स्केयर, डब्ल्यू इज इक्वल टू के 1/b स्केयर, पुट करेंगे वैल्यू ऑफ डब्ल्यू टू, डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 3। वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास थी स्केयर 9, 9 को लेकर आएंगे मल्टीप्लाई करेंगे, k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 18, और जो 18 k की वैल्यू है आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 18 और बी स्केयर जो कि डब्ल्यू की वैल्यू है। गो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इसमें क्या सीखा कि एक तो डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल क्या होता है और दूसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और उसके साथ साथ एक और चीज हमें इसमें सीखी कि थर्ड प्रोपोर्शनल आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं, फाइंड करेंगे, और थ्योरम ऑफ कंपोनेंट क्या है और डिवाइडेंडो क्या है, ठीक हो गया। और इसमें आप लोगों ने थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे फाइंड करना है, जो प्रोपोर्शनल आपने फाइंड करना था उसको आपने लेट किया, उसमें आपके पास कुछ वैल्यूज गिवन थी और कुछ वैल्यूज आपने फाइंड करने थी वो फाइंड थी, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और अगर इसमें कोई बात समझ ना आई हो या क्लियर ना हो तो मुझसे आप व्हाट्सअप पर या मेरे नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। शुक्रिया।